What is up, this is a boy and with the party of talk. तो क्या हाल है आप लोग? तो भाई आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिलहाल के लिए अभी जैसा कि जो लोग ब्लॉग्स देखते आ रहे होंगे, ये ब्लॉग का थर्ड पार्ट है मेरे कंटिन्यूस ट्रिप का। अभी हम लोग दार्जिलिंग से निकल चुके थे, ठीक है, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले हैं, 7 मतलब नॉट अर्ली मॉर्निंग के बोलो 7 बजे के आसपास निकले हैं। और अभी रास्ते में एक मतलब डेंस फॉरेस्ट पार्क है, बेसिकली मेरे पीछे बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे एक पार्क बना रखा है, 15 रुपीज़ की एंट्री टिकट है पार्क की। तो अभी हम फिलहाल पार्क में आए हैं, थोड़ी देर मतलब अच्छा लग रहा है काफ़ी। मतलब देखो दार्जिलिंग जो आता है ना यार, इधर से आओ, ये कौन सी जगह से आ रहे हैं हम? आज 2 सिटी जा रहे हैं, मेरे को ढंग से नाम याद नहीं है बिकॉज यहाँ के नाम बहुत अटपट है। क्या चीज़ है? कामची नहीं कुछ होता। एनीवेज मैं भी बता दूंगा एक बार हमारे जो गाइड हैं उनसे पूछ के। और फिलहाल के लिए आप यहाँ के सिनेमैटिक्स देखो, मैं मिलता हूँ आपसे आगे। और ये बहुत मतलब काफ़ी हद तक डेंस फॉरेस्ट है। आप यहाँ देखो मतलब कितने मतलब बहुत काफ़ी डेंस है। तो फिलहाल अभी पॉइंट पे चलते हैं और वही मिलते हैं। तो ये 750 मीटर्स है यहाँ से, और इन समर्स आप लोग 8 बजे से 5 बजे आ सकते हो, और विंटर्स में 9 से 4। तो अभी चलते हैं, रास्ता बहुत अच्छा है, सिनेमैटिक से शॉर्ट चल रहा है। तो अभी वहाँ से घूमते हुए आए हैं, ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, जगह जगह पर डर लगे, बैठने की जगह है। और प्लीज़ जो भी आया है रिटर्न मत करना ब्रो, आओ चीज नहीं सकना, क्योंकि ऐसी जगह बहुत अच्छी कम मिलती है, काफ़ी अच्छा पा गया भाई। मेरे को सही बात समझ नहीं आई, जो रास्ता नापता है वो कौन होता है? मतलब पहाड़ के बंदो, मतलब जो बोलते हैं ना इतनी दूर इतनी दूर है, कि कौन से एंगल से 750 मीटर जा रहा है मुझे नहीं पता भाई। कम से कम 1.5 किलोमीटर आ चुके हम, और अभी पॉइंट का नाम निशान नहीं दिख रहा है। पॉइंट बहुत ठीक नहीं होना। एनीवेज चलते हैं और देखते हैं। बहुत दूर आ चुके हैं और इसकी तो हालत खराब हो चुकी है। तो हम लोग पॉइंट पहुंच चुके हैं, हम लोग ये मतलब मैं साथ में जो दोस्त था वो पीछे रह गया। पॉइंट ठीक ठाक है, मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, आप लोग सुनवा रही देखो, तब मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। तो भाई कुछ ऐसा है, पहले वहाँ से स्टार्ट होता है और वहाँ तक है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं, क्योंकि यहाँ से पता नहीं मतलब टूटा हुआ क्या है, स्ट्रीम की आवाज़ वहाँ से भी आ रही। और अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते आ रहे हो तो मैंने एक हॉन्टेड सीरीज मतलब ब्लॉग बनाया था, मतलब हॉन्टेड एरिया का,
जो कि तल अमीद है माइंस, उस वीडियो में आपको इस फैंग शुई के बारे में बताया, इन फैंग शुई फ्लैग्स भी बोले जाते हैं। तो हर फ्लैग एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है और माना यह जाता है कि जो आप के जो फ्लैग्स हैं इन पर मंत्र लिखे हुए होते हैं, तो कोई नेगेटिव एनर्जी इनसे पास होती है तो वो मंत्र धीरे धीरे फेड होते रहते हैं। कुछ फिशेस हैं यहाँ पर मोस्टली ब्लैक कलर में, बस एक मेरे को पीछे गोल्ड कलर की दिख रही है, अगर आपको हल्का सा गोल्डन रिफ्लेक्शन दिख रहा हो। काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। हम लोग वापस जा रहे हैं कैब में और इसके बाद निकलेंगे। मैंने मतलब याद आ गया मेरे को शायद से, अगर मैं प्रोनाउंस सही करूँ तो इसका नामची वो सिटी का नाम है, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे एक दो अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं वो देखेंगे, फिर एक सिटी और है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे रात के लिए। रात को सिलीगुड़ी के लिए फिर देखते हैं, आई गेस कल हम सिलीगुड़ी में कोई वाइल्ड लाइफ का देखेंगे ना, तो अभी चलते हैं कैब में, मैं मिलता हूँ आपको आगे। चलिए गाइस, ये बंगाल है तो ये सिक्किम है। अभी हम लोग यहाँ से नीचे मतलब वो रोड जाएंगे, वहाँ पे पुल पड़ेगा सामने, उसे क्रॉस करेंगे, हम लोग सिक्किम में आ जाएंगे और हमें वहाँ पे जाना है कहीं। तो बंगाल और सिक्किम तो गाइस हम लोग बहुत बहुत प्यारी जगह आ रखे हैं, ठीक है। आप लोगों ने चार धाम सुना, उत्तराखंड में चार धाम पड़ते हैं, बट ये सिक्किम का चार धाम है। तो मतलब बाहर से इतना प्यारे मतलब इतना प्यारा लग रहा है, आप लोग देखोगे चेक करो, बहुत प्यारी जगह है। सिनेमैटिक भी दिखाता हूँ और मज़ा आने वाला है। सामने हमारे महादेव विराजमान है, तो यहाँ पे ना हर मंदिर का एक रेप्लिका बनाया हुआ है, जैसे कि बद्रीनाथ है आप जानते हैं ऐसा दिखता है बद्रीनाथ बाहर से, और ये अंदर मंदिर है मतलब पूरा बना रखा है। अभी आप देखो पीछे महादेव की बहुत बड़ी मूर्ति है और मेन टेंपल भी वहीं पे ही है, तो पहले मेन टेंपल चलते हैं उसके बाद एक एक करके हर जगह आएंगे। तो ये स्टेयर जा रही है मेन टेंपल पे, पहले मेन टेंपल चलेंगे उसके बाद, और ये नंदी है देखो फिर मतलब काफ़ी अच्छा बना रखा है। वो मेन टेंपल है सामने, पीछे महादेव में नंदी बना रखे हैं काफ़ी बड़े। बाहर आ चुका और मेन टेंपल में जब एंटर करते हो शाम पहले ही शिवलिंग पड़ता है, और उसका थोड़ा सा आगे जाओगे तो बहुत प्यारे प्यारी आकृतियाँ मतलब बना रखी हैं, मतलब जो भी महादेव के से रिलेटेड, सीता माँ से रिलेटेड जितना भी घटित हुआ है सब कुछ है वहाँ पे। फोटोग्राफी थोड़ी प्रोहिबिटेड थी बट थोड़े बहुत मैंने शॉर्ट्स निकाल लिए किसी तरह, और अभी आप यहाँ का पूरा व्यू देखो मैं आपको मिलता हूँ इसके बाद। तो ये महाकाल महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, तो बट मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मतलब हर एक मतलब रेप्लिका के अंदर भी ना मतलब कहने के लिए रेप्लिका है, हर एक के अंदर एक शिवलिंग है।
तो ये साई टेम्पल है और सामने साई भगवान जैसे शिरडी में लेके रखे हुए बैठे हुए वैसे ही बैठा रहे हैं आपसे भी। तो ये मल्लिकार्जुन का ज्योतिर्लिंग का एक और वो बना रखा है, यहाँ पे भी होना चाहिए एक शिवलिंग। हाँ यहाँ पे भी मतलब ये देखो ब्लॉक है शायद से जाना और ना हो पता नहीं, यहाँ पे भी शिवलिंग है और पूरा मतलब पीछे उसके बारे में लिखा हुआ भी है मेरे ख्याल से। हाँ जी वहाँ पे पीछे सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब बहुत प्यारा बना रखा है। आप आ सकते हो और आपको मतलब रिलेटेड इट्स लाइक महादेव के लिए, महादेव के ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे सारे के सारे। और ये भी सिक्किम के अंदर ही पड़ता है, यहाँ पे एक बुद्धा पार्क है, वो बुद्धा पार्क आप लोगों को दिखाते हैं। काफ़ी बड़ी यहाँ पे भी काफ़ी मतलब बुद्धा पार्क में बुद्ध की जो स्टैचू है काफ़ी बड़ा है, तो वो देखते हैं और आप लोग देखिए। हम लोग नीचे जा रहे थे, मैंने अभी एक चीज़ नोट की, लॉस्ट एंड फाउंड लिखा है यहाँ पे, लोगों की चीज़ें रखी हैं और ताला लगा है, मतलब इन लोगों को कोई चीज़ पड़ी मिलती तो वो लोग यहाँ पे रखते थे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और भाई मतलब क्या व्यू है, मतलब स्टैचू और ऊपर से क्लीननेस देख रहे हो, मतलब अभी भी क्लीनिंग हो ही रही है। तो ये इसके अंदर जाने का रास्ता है और इसके ठीक सामने हम जो ये देख रहे हैं एक दो तीन काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट हर एक कप से कप्स हैं, इस कप में वाटर भरा पड़ा है, कप्स नहीं मतलब एक तरह से होल्डिंग वाटर की कुछ मतलब कप्स ही लग रहे हैं दिखने में दूर से, जैसे कप्स होते हैं इधर वाटर भरा पड़ा है, इसमें पॉइंट है आई गेस विशिंग उसके फैक्टर के लिए कि आप विश मांग सकते हो कुछ। देखो इसमें भी कॉइंस ही कॉइंस पड़े हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी हाइट पे है, एरिया भी इनका बहुत बड़ा है। स्टार्ट फ्रॉम देर वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, आपको खा भूख लगेगी तो खा सकते हो। वेदर कुछ ऐसा हो रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, आई गेस वो भी कुछ है पर मेरे को पता नहीं हो क्या है वहाँ पे, तो फिलहाल आप सिनेमैटिक्स देखो यहाँ के, मैं मिलता हूँ उसके बाद। तो गाइस वो रहा सामने स्टैचू और ये फाउंटेन, मतलब बहुत काफ़ी बड़ा फाउंटेन है और काफ़ी प्रेशर से ही पानी आ रहा है यहाँ पे फिलहाल के लिए। आप ये देखो मतलब
बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे, मतलब वो भी उनका ही एरिया है वहाँ पे स्टार्टिंग में, बिकॉज वहाँ पे इनका ब्रेकफास्ट वगैरह आप कर सकते हो, रेस्टोरेंट्स एंड ऑल एवरीथिंग, शॉपिंग के लिए भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, और काफ़ी पीछे तक स्प्रेड आउट है। तो मैं वापस ऊपर आ चुका हूँ, हम लोग रेस्टोरेंट के पास से कुछ खाएंगे यहाँ पे। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि एग्जैक्टली वहाँ पे ना वो राइट वहाँ पे गो कार्ट्स हैं, मतलब जो कार्ट्स होती है इलेक्ट्रिक वाली जो आपको इधर से उधर लेके जा रही है। तो इवन दो इफ़ यू वांट कि आप यहाँ पे आओ आपका कन्वीनियंस इतनी तो कौन जाएगा पर सके, तो मेरे ख्याल से 300 रुपीज़ का चार्ज है, 300 रुपीज़ दे के आप कह सकते ड्राइवर होगा उसका और आपको सीधा मन से मिलेगा। पीछे में अगर आप देख रहे हो टनल, तो वहाँ से घूम के इस टनल से के थ्रू होते थे सीधा वहीं जाती है। तो वैसे हम कल रात को उधर पहुँचे थे और मतलब हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि मतलब जाम 3 घंटे का जाम, 3.5 घंटे का लाइन सर से फंसे हुए थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो इसे कल लॉन्ग एंड करने की हिम्मत नहीं, अब मैं फिलहाल के मैं शॉप यहीं एंड कर रहा हूँ, आज नेक्स्ट डे हो चुका है मेरे पर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार बढ़िया से ऐसी ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।